वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड कल के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स है अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास ब्रिटानिया। सारा स्टॉक डाउनसाइड के लिए लिया जा रहा है, मींस मार्केट कल बेरिश रहेगा। ब्रिटानियों को देखेंगे तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि एक ट्रेड लाइन है जिस ट्रेड लाइन से ये बार बार क्या कर रहा है, कंस्टेंट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब ठीक ब्रेकडाउन से पहले रेंज क्रिएट करने लगा, यानी कि मार्केट एक जगह पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर डाउन साइड में मूवमेंट आता है, यानी कि 3645.95 पैसा के नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 3679 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 3613 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 3501। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास इंडस टावर, एंड इंडस टावर को देखेंगे तो ये भी एक अच्छा खासा बेरिश रैली के बाद मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि ऊपर की तरफ जा तो रहा है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। जितना ऊपर जा रहा है वापस नीचे गिर रहा है, वापस ऊपर जाकर नीचे गिर जा रहा है, यानी कि एक सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। टेम्पोररी अपसाइड मूवमेंट आया। अब यहाँ पर क्या आया, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन आने के बाद जो सपोर्ट था, यानी कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है, यानी कि ये जो सपोर्ट था ये ट्रेड लाइन, यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन आया। देखिए अब ये रेसिस्टेंस में बदल गया, यानी कि मार्केट ठीक उसी ट्रेड लाइन के पास में गया एंड वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिरा, वापस ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया। अब डाउन साइड में सपोर्ट है और अप साइड में रेसिस्टेंस है, एक रेंज क्रिएट हो चुका है, इसके भीतर में ही ये ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग वेट करेंगे कि इंडस टावर 196.30 पैसा के नीचे अगर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे इसको, स्टॉप लॉस लगा देंगे 198.35। इनकेस नीचे आके मार्केट ऊपर जाएगा तो छोटा सा जो भी लॉस है लेके निकल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 191.45 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1184.65 पैसा। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास श्री सीमेंट, एंड श्री सीमेंट को देखेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया, श्री सीमेंट को देखेंगे तो एक अच्छा सा बेरिश रैली आया और मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, अगर देखेंगे सही से तो ये जो रेसिस्टेंस है ठीक इसी रेसिस्टेंस के पास मार्केट जाके वहाँ से रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पहुँचते ही मार्केट नीचे गिरा, वापस सर्वाइव नहीं किया नीचे गिर गया, वापस सर्वाइव किया नहीं किया नीचे गिर गया। अब ये सपोर्ट लाइन जो है, ये सपोर्ट लाइन अगर ब्रेकडाउन आता है तो एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या देखें हम कि यहाँ पे सपोर्ट टूट जाएगा कल। अब देखेंगे सही से तो सपोर्ट ब्रेक होने से पहले क्या हुआ है, रेंज क्रिएट हो गया है। इवन देखेंगे तो अभी तक क्या था, बड़े से रेंज छोटा होता गया। जब भी मार्केट बड़े से रेंज छोटा होता है तो ऐसे सिचुएशन में अपना जो रिटेस्ट होता है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन आती संग संग मार्केट नीचे गिरने लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे संग संग ब्रेकडाउन आया, मार्केट डायरेक्ट अपने टारगेट तक चला जाए। तो हम लोग वेट करेंगे कि श्री सीमेंट 21,365.25 के नीचे अगर जाता है तो सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे 21,564 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,007, सेकेंड टारगेट रहेगा 20,183। तो जो सपोर्ट है जहाँ तक मार्केट गिरा था वहाँ तक ये वापस गिर जाएगा। फोर्थ नंबर स्टॉक है अपने पास SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें भी देखेंगे तो एक बड़ा सा रेंज, यानी कि इतना बड़ा रेंज का ब्रेकडाउन आ रहा है। इवन यहाँ से यहाँ जितना मार्केट गिरा उतना ही बड़ा टारगेट भी माना जाता है। एक बेरिश रैली के बाद मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, नीचे गिर गया, वापस अपसाइड जाके नीचे गिर गया, वापस अपसाइड जाके नीचे गिर गया। और यहाँ पे हम लोग सही से देखेंगे तो SBI इस लेवल के ऊपर अब नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, वापस गिरा, वापस गिर गया। अब इस बार क्या, वो जो सपोर्ट था वो सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है। ब्रेकडाउन आने से पहले, यानी कि अब जो नेक्स्ट मूव आएगा, फर्स्ट ब्रेकडाउन आ चुका है, सेकेंड मूव का तैयारी हो रहा है, रेंज क्रिएट होने लगा है। जो फर्स्ट लो होता है वो बनता है क्या, सपोर्ट। मार्केट ऊपर जाकर जब भी नीचे आ रहा है सपोर्ट लेके ऊपर, जब भी सपोर्ट नीचे आ रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जाना, यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब तक इस लेवल के नीचे हम SBI नहीं जाते, यानी कि 519.25 के नीचे SBI जब तक नहीं जाएगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर SBI इसके नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे 519.25 के नीचे, तो हम लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 524.35 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 505.55 पैसा, सेकंड टारगेट रहेगा 491.25 पैसा। फिफ्थ नंबर स्टॉक है अपने पास अबूट इंडिया, एंड अबूट इंडिया को देखेंगे तो ये भी एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन दे रहा है, यानी कि इसका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को जब यहाँ पे अबूट इंडिया ब्रेकडाउन दिया, यानी कि जब सपोर्ट तो टूटा तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो लो है ये बन जाता है क्या, सपोर्ट।
और ये जो सपोर्ट ब्रेक वो क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। ठीक मार्केट वहाँ जाके नीचे गिरा, वापस रेसिस्टेंस पे जाके नीचे गिरा, वापस रेसिस्टेंस नीचे गिरा, वापस रेसिस्टेंस नीचे गिरा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अब मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा, और मार्केट जब ऊपर जाकर नीचे गिर रहा तो ये जो सपोर्ट है सपोर्ट के नीचे नहीं जा पा रहा, सपोर्ट पे आते रिवर्स हो रहा है, वापस सपोर्ट पे आया रिवर्स हुआ, वापस से सपोर्ट पे आके रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आने से पहले एक रेंज क्रिएट हो चुका है, इवन यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिल गया, इस हाई पे भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम लोग वेट करेंगे कि अबाउट इंडिया ये जो सपोर्ट अभी जहाँ से फिलहाल ले रहा है ये सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाए, यानी कि ये है अभी फिलहाल इसका सपोर्ट जोन जहाँ से कंस्टेंट ये सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अब ब्रेकडाउन होने के बाद एंट्री लेने से फ़ायदा क्या होगा अपने को कि अपना ये ब्रेकडाउन आएगा तो ये रिटेस्ट होके वापस नीचे गिरेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट, तो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो बाद में क्या बनता है, रेसिस्टेंस बनता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेफ जगह पे पहुंच जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो हो जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि अबाउट इंडिया 18,792 के नीचे जाए तो हम लोग सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 19,138 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,367 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 17,306। अब निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पे, निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आ चुका है। अभी तक फिलहाल क्या हो रहा था, निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, अच्छा खासा रैली आया, निफ्टी का जब ब्रेकडाउन आया, अभी हम ये भी एक्सप्लेन किए थे कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेसिस्टेंस बन जाता है, तो सपोर्ट था ये लेवल, इसका सपोर्ट था, जब ब्रेकडाउन हुआ तो वो क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया, रेसिस्टेंस लग के मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर गया। यहाँ पे ये लो के नीचे अपना एंट्री पॉइंट बन जाता है, यानी कि बेरिस रैली यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। ओवरऑल अभी भी मार्केट में गिरने का चांसेस ज़्यादा है, जो स्ट्रक्चर है अभी बैंक निफ्टी का सॉरी वो क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो रेंज बना है इस रेंज के नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ तक निफ्टी का टारगेट ले सकते हैं, यानी कि 17,240। फिर निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये बनेगा, ये जो गैप है निफ्टी इस गैप को भी फिल करने आएगा 17,562। तो ये दो लेवल हम लोग को निफ्टी में कल देखने को मिल जाएगा अगर निफ्टी डाउन साइड रैली देता है, चांसेस ज़्यादा है कि कल गैप डाउन ओपन होगा। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने सॉरी सेकेंड नंबर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड लेते हैं, निफ्टी में भी ट्रेड लेते हैं, निफ्टी का टारगेट अचीव हो गया, बैंक निफ्टी का टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है। फ्राइडे वाले दिन इसमें ब्रेकडाउन आ चुका था, एक सपोर्ट लेवल था, जिस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे क्या आया, ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद ये जो लो है अगर हम लोग इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा क्या कि हम लोग को यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक एंट्री मिला, ये लो बनने के बाद रेंज क्रिएट हुआ 3-4 कैंडल का। ठीक इस कैंडल के नीचे अपने एंट्री बना, अपसाइड में एक कैंडल के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा दिए, जो रेंज था उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाए। फर्स्ट टारगेट अपना क्या था, ये जो सपोर्ट लेवल था, देखिए ठीक सपोर्ट लेवल पे मार्केट आके रिवर्स हुआ, सपोर्ट दिखाया, वापस सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, वापस सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है। अब क्या हो गया, फिर से रेंज क्रिएट हो गया। अब ब्रेकडाउन अगर आया तो 38,645 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल जाएगा। फिर बैंक निफ्टी का नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, ये जो गैप है ये गैप को बैंक निफ्टी फिल कर देगा, 38,350 का जो गैप है इस गैप को बैंक निफ्टी फिल कर देगा। उसके बाद अगर फिर रेंज क्रिएट होता है तो फिर ये सपोर्ट और ये सपोर्ट ही, मतलब यानी कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक का वापस से टारगेट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में 37,703। तो यानी कि 37,700 तक बैंक निफ्टी में हम लोग को फॉल देखने को मिलेगा, तो यहाँ तक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो नेगेटिव है, यानी कि बेरिस रहेगा, मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा, अपसाइड मूवमेंट आने का चांसेस कम है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा, तो थोड़ा सा लाइक कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम अपना 70K टच कर दिया, तो थैंक यू, ऐसे हम लोग और ग्रो करें साथ में। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, बाय।